हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज है 25th of August। आज के दिन का जो मार्केट रहा मॉर्निंग सेशन का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का एनालिसिस हम करेंगे। कौन से स्ट्राइक प्राइस में कॉल जनरेट हुए, किस तरह से आपको कॉल्स को एनालाइज करना होता है, कौन सा परफेक्ट कॉल होता है और कैसे उसको आप एनालाइज करते हो, ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियोस हम डेली पोस्ट करते हैं, आप देख सकते हो डेली बेसिस हमारे वीडियोस आते हैं चैनल पे, जो हम डेली का व्यू बताते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके, किस तरह का पूरा दिन का मूवमेंट रहा या फिर कोई भी कॉल जनरेट होता है तो किस तरह का कॉल वो एनालाइज करना होता है, तो ये सारे पॉइंट्स हम डेली डिस्कस करते हैं आपके साथ हमारे चैनल पे, तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि डेली वीडियो जो हम यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आप देख रहे हो ऑप्शन एक्स इंडिकेटर, ये इंडिकेटर आपको 5 मिनट के बेस पे यूज़ करना है किसी भी स्ट्राइक प्राइस को लेके। तो ये इंडिकेटर के बेस पे जब भी कोई सिग्नल जनरेट होते हैं तो आपको ग्रीन कलर के एरो देखने को मिलेंगे कैंडल के नीचे, राइट। तो हमें एंड ऑफ द कैंडल वर्क करना होता है, तो कैंडल क्लोजिंग के वक्त हमें कुछ पैरामीटर्स देखने होते हैं जो हमें वो कॉल का एनालिसिस बताएंगे कि कितना स्ट्रांग ये कॉल है और कितना परफेक्टली आपको ये टारगेट देगा। तो ये एंड ऑफ द कैंडल आपको कैसे पता लगेगा कि ट्रेड बनने जा रहा है या फिर कैंडल क्लोज होने जा रही है, तो उसके लिए यहाँ पे क्लोजिंग टाइमर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्लोजिंग टाइमर जब जीरो हो जाता है तो नया कैंडल का जनरेशन होता है, मतलब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो जब 10 या 20 सेकंड्स आपके क्लोजिंग को बाकी होते हैं तब आपको सारा एनालिसिस करना है, ताकि आपको इनफ टाइम मिलेगा ट्रेड प्लेस करने को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस मिलता है कि कब ये कॉल क्लोज होने जा रहा है और कैसे उसको आपको एनालाइज करना होता है। तो 21 सेकंड्स में आपका जो एनालिसिस होता है वो कंप्लीट होकर आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। सो जो एनालिसिस आपका बनेगा उसमें फर्स्ट आपको देखना होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका ग्रीन साइड होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आपको देखनी है बायर्स के परसेंटेज सेलर से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको देखना होता है ट्रेंड लाइन का कलर आपका ग्रीन साइड होना चाहिए और जो स्टॉप लॉस की लाइन है व्हाइट कलर से आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपके कैंडल के नीचे होनी चाहिए। तो इतने ही पैरामीटर जो भी कॉल फॉलो करता है वो कंफर्म परफेक्ट कॉल माना जाता है और ऐसे कॉल्स आपको 90-95% श्योरिटी के साथ फर्स्ट टारगेट अचीव करवा देंगे। ठीक है, तो ये भी कॉल आप चेक करो, तो 103 की आपकी एंट्री बनी थी और फर्स्ट टारगेट था आपका 113 का, राइट। तो ऑलमोस्ट इसमें आपको 10 रुपये का प्रॉफिट मिला। सो इन्वेस्टमेंट अगर आप एक लॉट के बेस पे करें ये ट्रेड में, तो आपका अराउंड 5000 के आसपास का कैपिटल लगना चाहिए और 500 का प्रॉफिट आपने बुक किया फर्स्ट टारगेट पे। तो आप देख सकते हो फर्स्ट टारगेट के बेस पे आप 10% इजीली बुक कर सकते हो। और ये ट्रेड आप देखें तो यहाँ पे हाई 139.25 का लगा है। आज का मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, मॉर्निंग में कोई भी कॉल नहीं था, गैप डाउन में ओपन हुआ मार्केट, लेकिन वहाँ से कोई कन्फर्मेशन नहीं मिला आपको ट्रेड करने लायक। तो सॉफ्टवेयर ने उतना एनालिसिस करके आपको एग्जैक्टली जब मोमेंट यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट कर गया तभी आपको एग्जैक्टली कॉल जनरेट करके दिया, और वो कॉल जैसे ही जनरेट हुआ जो कि कंफर्म था तो आपको इजीली टारगेट मिल गए। तो इसी तरह की ये स्ट्रैटेजी आपको एनालाइज करके देती है कॉल। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे थे 19,300 का पुट जो कि बनेगा इन द मनी का हमारा स्ट्राइक प्राइस निफ्टी को लेके। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का मैंने 44,200 का पुट लगा के रखा है। इसमें भी सेम कंडीशन आपको देखने को मिली, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ फिर एक रेंज में चला, कोई भी कंफर्म मूवमेंट नहीं थी तो आपको कोई भी सिग्नल नहीं दिया सॉफ्टवेयर ने। ठीक है, उसके बाद जो सिग्नल बना आप देख सकते हो ये जगह पे सिग्नल आपका जनरेट हुआ जो कि था 10:25 को। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे और परफेक्टली ये जो एंट्री आपको मिली 237.6 के अराउंड आपकी एंट्री बनी और फर्स्ट टारगेट था 261 का, राइट। इजीली इसने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट भी अचीव करवा दिया और मार्केट यहाँ पे लाइव चल रहा है 350 का। तो इस तरह से निफ्टी के बेस पे, बैंक निफ्टी के बेस पे जो भी परफेक्ट कॉल जनरेट होते हैं वो फर्स्ट टारगेट पे 10% का इजीली आपको रिटर्न देंगे। सो बैंक निफ्टी की बात करें इन्वेस्टमेंट को लेके, ये ट्रेड के बेस पे तो 237 की आपकी एंट्री बनी, तो 15 का लॉट साइज है अपना। सिंगल लॉट पे आपका जो इन्वेस्टमेंट बनता है 3,500 का और जो फर्स्ट टारगेट था आपका 261 की आपकी एग्जिट और 237 का आपका एंट्री पॉइंट था, तो टोटल 24 पॉइंट्स आपने बुक किए। जो मल्टीप्लाई करें सिंगल लॉट के बेस पे तो बनेगा 360। तो देख सकते हो एक्जैक्टली 10% का प्रॉफिट मिला है। आप निफ्टी पे करो, बैंक निफ्टी पे करो, परफेक्ट कॉल जो आएगा फर्स्ट टारगेट आपको 10% का रिटर्न इजीली प्रोवाइड करवाएगा। आप सिंगल लॉट करो, डबल लॉट करो,
जितने भी लॉट आप इंक्रीज करोगे, जो भी आपका कैपिटल बनेगा उस पर आप 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरह की ये स्ट्रैटेजी है, ऑप्शन एक्स इसका नाम है। आप अगर इस स्ट्रैटेजी का डेमोस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप करो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक भी मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, ताकि एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करके पूरा सॉफ्टवेयर डिटेल में डेमोस्ट्रेट करवा देगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।